नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में आपको जो गर्मियों में फ्लावर आते हैं लिली की बहुत सारी वैरायटी रहती है। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, एमरस लिली का है, इसको हम आम भाषा में आम रस लिली भी बोलते हैं। और ये जो है फरवरी से लगा के मार्च अप्रैल और मई महीने तक खूब फ्लावर देता है। और जब हम फूल देखते हैं, फूल देखने के बाद ही हमें समझ में आता है कि ये पौधा हमारे घर भी होना चाहिए, या तो हमारे घर है लेकिन उसमें फ्लावर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो मैं मित्रों आपको इस विषय में, इस कड़ी में यही चीज़ बताऊंगा कि अमरेलिस लिली या कोई सी भी लिली में जब फ्लावर आते हैं तो उस समय में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि हम यदि किसी के घर पे जाते हैं, बहुत सारे लिलीज के ऐसे बल्ब लगे रहते हैं या ऐसे बहुत सारे फूल लगे रहते हैं, तो हमको उस समय ऐसा लगता है कि ये वाला फूल हमारे पास भी होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि उसके जिसके भी घर आपने देखा है, वास्तव में उन्होंने बहुत मेहनत की हुई रहती है इन सब चीज़ों को करने के लिए, और उनसे प्रेरणा लेके आपको भी करना चाहिए, क्योंकि ये इन सब चीज़ों को सहेज के रखना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है। और ये बल्ब जितने भी होते हैं, ये लिलीज के सारे बल्ब से होता है, जैसे फुटबॉल लिली हो गया, एमरस लिली हो गया, स्पाइडर लिली हो गया, रेल लिली हो गया, इन सब बल्ब को संभाल के रखना पड़ता है। और यकीन मानिए आप, जहाँ पे ये बहुत सारे फूल देख रहे हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, और उनसे जानकारी लेके या हमसे जानकारी लेके आप हमारा चैनल देख सकते हैं। आप ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हैं, और आने वाले समय में जैसे आपने वहाँ पर फूल बहुत सारे देखे थे, ऐसे कैसे आप अपने घर पर भी उगा सकते हैं और खिला सकते हैं। एमरस लिली में किस तरह से ज़्यादा फूल ले सकते हैं, उस विषय में आज चर्चा कर रहे हैं हम लोग। मित्रों क्या होता है कि जब ठंडी का टाइम रहता है, उस समय क्या है कि जो पौधा है वो अपना पत्तियां जो है बहुत सारी दिखती है, लेकिन वो सुस्त हो जाती है, क्योंकि वो रेस्ट पीरियड में चले जाता है। और वो जो है जो बल्ब होता है वो उसका साइज़ बड़ा करने में पूरी उसकी जो है एनर्जी चली जाती है। उस समय जो है पौधा अपने बल्ब को ग्रो कर रहा होता है, इसलिए हमारे पास फूल नहीं आते और पत्तियाँ जो है धीरे धीरे वो जो है ख़त्म होती चली जाती है, सुस्त हो जाती है। तो हमें करना क्या रहता है कि जब फरवरी से पहले जब दिसंबर जनवरी के समय में हमको जो है वो सारी पत्तियाँ रिमूव कर देना रहती है, ताकि क्या होता है कि वो आराम से रेस्ट कर सके पौधा, और उसके बाद में आगे फूल देने के लिए वो तैयार हो सके। तो मित्रों करना क्या रहता है कि सबसे पहले हमको दिसंबर महीने में पौधे को देखना है, जो हमारे पास पुराना पौधा यदि रखा है जिसमें 7-8 जो बल्ब्स हैं उसके एमरस लिली के, तो उनको क्या करना है कि हमको निकालना है उस पॉट में से, और निकालने के बाद में उसकी ग्रेडिंग करना है। अब ग्रेडिंग करते समय हमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा बल्ब इस साल फ्लावर देगा। ये बहुत बड़ा विषय है जिसको सबको जानना चाहिए कि कौन सा बल्ब इस साल हमको फ्लावर देगा, और कौन सा बल्ब ऐसा है जो इस साल हमको फ्लावर नहीं देगा। तो उस ग्रेडिंग में हमको देखना रहता है कि जो बड़ा बल्ब होता है, जो बड़े साइज़ का बल्ब होता है, इतनी साइज़ का जो प्याज के आकार का बल्ब होता है, वो इस साल हमको फ्लावर देगा, और उससे छोटे छोटे बल्ब होते हैं वो इस साल फ्लावर नहीं देंगे। तो उनको करना क्या रहेगा कि जब हम उसको रिपोर्टिंग कर रहे होंगे या उसको हम जब निकाल रहे होंगे, उस समय हमको बड़े बल्ब सेपरेट कर लेना है और छोटे बल्ब अलग कर लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये बेबी बल्ब है। ये देखिए, ये छोटे छोटे हैं, सब साइज़ के हैं। एक ये साइज़ है, एक ये साइज़ है, ये साइज़ है, और ये सबसे छोटा साइज़ है। तो मित्रों यदि हम उस पॉट को यदि नहीं निकालेंगे या उसको रिपोर्टिंग के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि सिर्फ एक ही फूल आएगा और बहुत सारी पत्तियां बनी रहेगी, और हमको ऐसा लगेगा कि इस गमले में बहुत सारे पौधे लगे हैं लेकिन इसमें फूल सिर्फ एक ही आया है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारे यहाँ गमले में बहुत सारे बल्ब है लेकिन फूल सिर्फ एक ही पौधे में आया है, एक ही बल्ब में आया, तो बाकी के बल्ब में फूल क्यों नहीं आया। तो उसका यही कारण होता है कि जो छोटे बल्ब बेबी बल्ब रहते हैं, ये फूल देने की क्षमता इसमें होती नहीं है, इसलिए हम इसको निकाल के एक दूसरा रिपोर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अगले सीजन के लिए बहुत ज़्यादा वो मेच्योर हो जाता है और आगे हमको फूल देगा। तो मित्रों ये एक स्टेप आपने देखी, उसके बाद में हम लोग रिपोर्ट कर देते हैं, इन बल्ब को रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये बल्ब देखिए कैसे बल्ब जो है बढ़ने लग गए हैं, मोटे हो गए हैं, और इसके बाद में ये जो बल्ब है ये इस साल के लिए फ्लावर नहीं देंगे, हम इसको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। और इस साल कौन सा बल्ब फ्लावर देगा मैं बताता हूँ। तो आप ये मेरे पास जो पॉट देख रहे हैं, इसमें ये साइज़ का जो बल्ब है आप देख रहे हैं, ये इतना 3-3.5 इंची का बल्ब है, इसको हमने जो है सेपरेट किया था, अलग कर दिया था, ताकि इससे हम फूल ले सकें, और जो छोटे छोटे बल्ब जो मैंने ये दिखाए थे ये अलग कर दिए थे। तो ये
बल्ब जो है लगाने के कुछ ही दिनों में आप देख रहे हो ये वाला जो कली निकल रही है, देखिए ये मोटी कली निकल रही है। अब इसमें बड़ी मुश्किल से 5 पत्ते हैं और छोटे छोटे हैं, उसके बाद भी ये कली निकल रही है। लेकिन क्या होता है, यदि मैच्योर बल्ब होता है तो आप देखिए ये शुरू से पत्ते के साथ ही कली निकलती है, या तो कभी कभी क्या होता है कि पत्ता भी नहीं निकलता और डायरेक्ट कली निकल आती है। और उसका कारण यह है, सिर्फ कारण यह होता है कि वो बल्ब मैच्योर है, वो जो है वो फूल देने की क्षमता रखता है। तो यदि आप कहीं नर्सरी से या कहीं शॉप से बल्ब खरीद के ला रहे हैं तो आप देखेंगे सबसे बड़ा बल्ब खरीदें, मैच्योर बल्ब खरीदें, ताकि आपको उसी साल जो है फल फूल अच्छा दे सके। और छोटे छोटे बल्ब भी आपको नर्सरी वाले देते हैं, लेकिन आप बड़ा बल्ब कोशिश करें लें, क्योंकि यदि आप बड़ा बल्ब एक लगा रहे हैं तो आने वाले समय में आपके पास खुद के बहुत सारे बल्ब हो जाएंगे, जिसको आप रिपोर्ट करके सेपरेट सेपरेट करके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो मित्रों ये देख रहे हैं मेरे पास जो दो गमले हैं इस तरह से, जिसमें बहुत सारी कलियाँ आ रही है और फूल बहुत सुंदर आ रहा है। और ये जो टाइम है ये मार्च महीने का टाइम है, मार्च महीने में फ्लावर बहुत बढ़िया तरीके से फूल ब्लूमिंग पे होता है पूरा पौधा, और इसमें बहुत सारी केयर करने की ज़रूरत पड़ती है जब फूल नहीं आता उसके पहले। तो मित्रों हम जो बल्ब लिया है उसको रिपोर्ट किस तरह से किया जाता है, जिससे कि जल्दी से जल्दी उसमें बल्ब में फ्लावर आ जाए, और कौन कौन से न्यूट्रंस डाल सकते हैं रिपोर्टिंग के टाइम, ताकि हमारा जो बल्ब है वो बहुत ग्रोथ कर सके और जो ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे सके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एमरस लिली के लिए पॉट मिक्स क्या होना चाहिए। तो दोस्तों एमरस लिली या आमरस लिली के लिए हम जो सॉइल मिक्स तैयार करते हैं, वैसे तो जो बल्ब वाले सारी जो लिलीज होती है जिसमें बड़े बड़े बल्ब होते हैं, उसके लिए एक ही प्रकार का जो मिक्सर लगता है, पॉट मिक्स लगता है, उसमें आप सब में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने जो है बालू रेत लिया है, ये देख रहे हैं आप, ये सैंड है, और ये कोकोपीट लिया है मैंने इसके लिए, और इसके साथ साथ मैंने वेल ड्रेन सॉइल ले ही है, आप ब्लैक कॉटन ले सकते हैं या जो आपके पास लाल मिट्टी ले सकते हैं, और थोड़ा मैंने ईंट का भूसा लिया है, ये देखिए एकदम बारीक वाला भूसा लिया है, इसको बाइंड नहीं होने देगा और ये पानी को अच्छा से ड्रेन होने लग देगा। अब इसके साथ में मैंने ये जो है बोन मिल लिया है, बोन मिल इसलिए लेते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस का जो है लिली के पौधे को लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, कि कैल्शियम और फास्फोरस से क्या होता है कि पौधे बल एक तो बल्ब बड़ा होता है और फूल का शाइनिंग बहुत अच्छी आती है और फूल ज़्यादा आते हैं। तो मित्रों हमने ये जो चीज़ें लिए इनको आपस में मिला लेना है, ये देखिए ये सारी चीज़ों को आपस में मिला लेंगे, ये जो है बहुत आइडियल पॉट मिक्स बन रहा है लिलीज के लिए। अब ये न कुछ ज़्यादा है न कम है, और कोई भी चीज़ ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो है उस पौधे को ख़राब करेगी, और ये जो है इन चीज़ों से क्या है पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। और साल भर चूँकि लिली को हम लोग साल में एक ही बार रिपोर्ट करते हैं, तो उसको सारा भोजन इस पॉट मिक्स से मिल जाए और वो आगे भी ग्रोथ कर सके। एक साल में एक ही बार रिपोर्ट होता है, और जो रिपोर्ट का टाइम होगा वो जो है नवंबर दिसंबर के टाइम होगा, कि नवंबर दिसंबर के समय जो हम लोग बल्ब निकाल लेंगे और बल्ब को जो बड़े बल्ब को दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर देंगे, और वो जो है आगे चल के फूल देगा। तो मित्रों मैं एक बल्ब निकाला है मैंने आपको दिखाने के लिए, बड़ा बल्ब है और इस साइज़ का बल्ब जो है हमको रिपोर्ट के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला बल्ब जो है यदि हम लगाएंगे तो ये इसी साल बढ़िया फूल देगा, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इसमें बेबी बल्ब्स भी निकले हुए हैं, ये भी ग्रोथ अच्छी ले लेगा, और आगे के सीज़न के लिए हमारे पास मदर प्लांट में ये बहुत सारे बेबीज हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हम बहुत सारे पौधे आगे बना सकेंगे। तो मित्रों ये मैंने बल्ब लिया मैच्योर बल्ब, और ये पॉट मिक्स लिया, इसके साथ में मैंने एक 12 इंच का पॉट लिया है, ये देखिए ये 12 इंच का पॉट लिया, और इसके में मैंने जो है पत्थर का चूरा डाला है, गिट्टी है, ये इसलिए डाला है कि जब हम रिपोर्ट करने जाएंगे ना, तो उस समय जब एक तो इसमें क्या है कि मिट्टी छन के नीचे नहीं जाएगी, सिर्फ पानी ड्रेन होगा, दूसरा ये होगा कि जब हम इसको अगले सीजन के लिए जब रिपोर्ट करेंगे, चूंकि ये बहुत सारे बल्ब से भर जाएगा और टाइट हो जाएगा, तो हम जब इसको उल्टा करेंगे तो इसके कारण जो है वो आसानी से पूरा ऐसा निकल जाएगा, जिससे कि वो जड़ों को नुकसान नहीं होगा। तो हमने ये डाल लिया है, इसके साथ में जो पॉट मिक्स हमने डाला है इसको डाल लेना है पॉट में, ये देखिए Thank you.
तो इस तरह से हमको जो है ये पॉट मिक्स डाल देना है और फिर जो है ये बल्ब जो है ऐसा सीधा करके लगा देना है। तो इस तरह से पॉट को फील कर देना चाहिए मिट्टी से। अब ये देख रहे हैं कि मैंने जो है मैच्योर लिली का बल्ब निकाला और उसको जो है रिपोर्ट किया। अब आप देखते हैं, बहुत बार देखेंगे कि जो गमले पूरे भर जाते हैं जिसमें 25-25, 20-20 बल्ब हो जाते हैं और उस समय क्या है उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। और रुकने के बाद क्या होता है कि जब उसमें जितने बल्ब होते हैं उसमें से 2-3-4% ही बल्ब जो है फ्लावर दे पाते हैं, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिलता है और बहुत सारे लोग क्या लगा के छोड़ देते हैं और उसके बाद में उसकी केयर बिल्कुल नहीं करते। तो मित्रों ये रिपोर्ट कर दिया, इसके बाद में जो है इस तरह से इसमें फ्लावर आएगा। चूँकि ये मोटा बल्ब है, आप देख रहे हैं इस तरह से ये फ्लावर आया है और ये नया भी इसमें शूट निकल रहा है, स्प्राउट हो रहा है यहाँ पर ये। तो ये भी जो है कुछ दिनों में ये फूल दे देगा और एक बार फूल आने के बाद में बहुत दिनों तक फूल चलता है और ये ख़राब नहीं होता। अब ये 2-3 निकले हैं, उसके बाद में एक और नया निकल रहा है। जैसे एक ही इस पे 4-5 फूल जो है एक ही स्टिक पे आएंगे और बहुत समय तक ये चलता रहेगा ऐसे ही फूल का आने का सिलसिला। तो मित्रों ये जो है मैंने आपको रिपोर्ट करके दिखाया है। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि यदि मान लो आपके पास एक भी बल्ब है तो उसको आप इस तरह से जो है बहुत सारे बल्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं और आने वाले सीज़न के लिए इस तरह का तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको लिली की जो जानकारी दी है मैंने वो बहुत पसंद आई होगी। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे द प्लांट गुरु पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आगे भी आपको हम दिखाते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।